हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि समय में आपको संधि पढ़ा रहे हैं और संधि में हम स्वर संधि के भेदों को पढ़ा रहे हैं। इस समय किसके भेदों को? स्वर संधि के भेदों को। तो स्वर संधि का जो आपका तीसरा भेद बताने जा रहे हैं वो है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि का एक सूत्र है, वो सूत्र है इको यणच। इको यणच, ठीक। ये आपका क्या है? सूत्र है इको यणच, ठीक है। अब ये सूत्र कहता क्या है इसको जान लीजिए। ये सूत्र कहता है इक स्थाने यण स्या। इक, अब ये इक क्या है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है, ठीक। अब ये इक क्या है और यण क्या है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको ये संधि समझ में आने वाली नहीं है। इक और यण आप समझ गए तो आपको संधि समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है इक के स्थान पर यण आदेश होता है जब वाद में स्वर असमान हो, तब असमान हो तब तभी आदेश होगा। इक के स्थान पर यह आदेश तभी होगा, उसके पहले आदेश होने वाला नहीं है। अब इक क्या है? इक एक प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में इक क्या है? एक प्रत्याहार है, ठीक है। अब इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये जानना जरूरी है। तो इक प्रत्याहार में ई, ऊ, री और ली, ये चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ई, ऊ, री और ली, ये चार वर्ण आपके आते हैं। इसके स्थान पर यण आदेश होता है। अब यण क्या है? यण भी एक प्रत्याहार है। यण क्या है? एक प्रत्याहार है। जैसे इक प्रत्याहार था वैसे यण भी एक प्रत्याहार है, ठीक है। अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं इसको जान लीजिए। या, वा, रा और ला, ये चार बनाते हैं, ठीक। कौन कौन से बनाते हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत? ई, ऊ, री, ली। यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं? या, वा, रा, ला, ये चार बनाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब बाद में कोई असमान स्वर हो तो, यानी इसके बाद इक प्रत्यय के बाद कोई असमान स्वर आए तब, जैसे ई, ऊ, री, ली है, आ जाए, ठीक है, या दूसरा कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। वह आदेश होगा, रा आदेश होगा, ला आदेश होगा। लेकिन जो ये आदेश होंगे वो क्रम से आदेश, ठीक है। ई के स्थान पर यह आदेश होगा, ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा, री के स्थान पर रा आदेश होगा और ली के स्थान पर ला आदेश होगा। इसके लिए प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, उन चार स्थानों के आधार पर आदेश होना चाहिए, ठीक है। हम इसको आपको बता दे रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। अब आपको एक हम संधि ले रहे हैं, शब्द ले रहे हैं, उस शब्द से हम बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आदेश होगा क्या आदेश नहीं होगा। जैसे शब्द है इत्यादि, शब्द क्या है? इत्यादि। अब इत्यादि में इसको संधि करेंगे तो संधि करेंगे इति धन आदि, ठीक, इति धन आदि। अब यहां पर देखिए भैया, हमने बताया है कि इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो उसके बाद असमान हो, तो इक प्रत्याहार में यहां पर ई है। कैसे है? ई ता ई, ता का ई मैंने अलग कर दिया, प्लस आदि, ठीक। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि ई के बाद कोई या समान स्वर आए तो या आदेश होगा। क्या आदेश होगा? या आदेश होगा।
तो इस ई और आ यहां पर है, तो इस ई और आ के स्थान पर क्या आदेश होगा? या आदेश होगा। क्या आदेश होगा? या आदेश होगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? ई ता या आ भी चला गया है दी। ठीक है, क्या बन जाएगा? यह हमें रहेगा ई अधत्ता या तपक छोटी मात्रा दी। वर्णों को मिला दीजिए और जब वर्णों को मिलाएंगे यहां पर आ है तो आ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ण क्या हो जाएगा? इत्यादि। जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इत्यादि, क्योंकि अधत्ता हो गया या प्रणाम गया हो दी। ये आपका इत्यादि बन गया। ये तो हमने ई का बता दिया, हो सकता है तो ना समझ में आया हो, ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तो फिर अगले वीडियो में इसका हम समाधान आपको जरूर करेंगे। ठीक है, अब एक बता देते हैं हम दूसरे शब्द का। दूसरा शब्द लेते हैं उ का, ले लेते हैं उ का भी आ जाएगा तो आसान थोड़ा सा हो जाएगा। शब्द है अन्वय। शब्द क्या है? अन्वय। ठीक, अब यहां पर अन्वय शब्द है, यहां पर इसका जो संधि करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? इसका अनुधन, अनुधन वय क्या होगा? अनुधन वय होगा। ठीक, अब अनुधन वय होगा तो अब यहां पर देखिए कैसे क्या आदेश होगा, कैसे नहीं गलती हो गया। अनुधन आय होगा, क्या हो जाएगा? अनुधन आय होगा। तो यहां पर देखिए कैसे कैसे शब्द को हम तोड़ रहे हैं। तो ये आ हो गया, ना हो गया, अब ना में उ है तो इसको हमने अलग कर लिया, उसके बाद आई हो गया। ठीक, अब यहां पर देखिए इको यंत्र सूत्र के द्वारा ही उ के बाद कोई आ समान स्वर आए तो उस उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा। तो इसे उ और आ दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है? वह आदेश हो जाएगा। तो आ ना और इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हुआ? वा ये। शब्दों को मिला दीजिए, अन्वय शब्द बन गया। ठीक, ओके।